वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल एंड सोशल टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ सोशल वर्कर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है और विश्वास भी किया जाता है कि प्रभावशाली समाज कार्य एक कार्यकर्ता के ही माध्यम से किया जाता है। कार्यकर्ता अपनी सहायता की भूमिका में समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तथा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के सभी प्रकारों का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। उस कार्य के लिए कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। उसके द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिकाएं बहुत कुछ समस्या की प्रकृति के आधार पर निश्चित होती है। इसीलिए कार्यकर्ता की भूमिका विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, निपुणताओं और मूल्यों से युक्त होता है। कार्यकर्ता एक सहायक व्यक्ति होता है। उसकी अंतर्क्रिया परोक्ष होती है, न कि प्रत्यक्ष। वह एक अधिशासी नहीं होता, न ही एक अध्यापक जिसको कि कुछ मुद्दों की विशेषता प्राप्त हो। वह अपनी गति से काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर सेवार्थी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की भूमिका की निर्वाह की आवश्यकता पड़ती है, जो निम्नवत है। पहला है सामर्थ्यदाता की भूमिका। इस भूमिका में कार्यकर्ता एक सहायक और सामर्थ्यदाता के रूप में रहता है। वह सेवार्थी के साथ कार्य करता है, न कि सेवार्थी के लिए। वह सेवार्थी को सेवार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या करने, सेवार्थी की समस्याओं की पहचान करने और स्पष्ट करने, सेवार्थी की रणनीतियों की खोज करने, उनका चयन करने, उनको लागू करने का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमतावान बनाता है। एक सामर्थ्यदाता के रूप में कार्यकर्ता सेवार्थी को अपनी शक्तियों को पुनर्गठित करने, संसाधनों को गतिशील करने और समस्याओं से निपटने की शक्ति में वृद्धि करता है। दूसरा, एक शिक्षक की भूमिका। कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण भूमिका में एक भूमिका शिक्षक की भी है, जिसमें कार्यकर्ता सेवार्थी को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस भूमिका में कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है और नई नई निपुणताओं का विकास करता है। एक अच्छे शिक्षक के लिए कार्यकर्ता को एक अच्छा संवाददाता भी होना चाहिए, जिससे कि वह जो भी सूचना और निपुणता सदस्यों को प्रदान करे, ताकि वह त्वरित रूप से और वैसे ही ग्रहित की जा सके जैसा कि संदेश दिया जाना है। तीसरा है अधिवक्ता की भूमिका में। इस भूमिका में कार्यकर्ता कुछ दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, विशेषकर ऐसे सेवार्थियों के लिए जो संस्थाओं की सेवाएँ ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ उनके हितों की समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। इस भूमिका में कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करता है। वह उनकी आवश्यकताओं और आवेदनों आदि के संदर्भ में तथा सुधार करने के संदर्भ में और संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए जा रहे सेवाओं के निर्णयों के संदर्भ में नेतृत्व का कार्य करता है, जिससे परिस्थितियों में आवश्यक सुधार किया जा सके। चौथा, एक मध्यस्थ के रूप में। कार्यकर्ता प्रायः समुदाय तथा समूह और संस्था के बीच मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। एक मध्यस्थ के रूप में कार्यकर्ता विवादों को हल करने, संघर्षों या असहमति के बिंदुओं को स्पष्ट करने तथा व्यक्तियों और संगठनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थ के रूप में कार्यकर्ता समझौते तक पहुंचने में, विभिन्नताओं को कम करने में तथा विवाह आदि के मामले में विवाद होने पर एक साझा समझौते तक पहुंचने में मध्यस्थता करता है,
जैसे युवाओं के एक मनोरंजनात्मक समूह में कार्यकर्ता दो किशोरों के बीच किसी मनोरंजनात्मक क्रिया में भाग लेने के संदर्भ में उत्पन्न विवाद को हल करवाने के लिए मध्यस्थता करता है। पांचवा, एक पहलकर्ता के रूप में कार्यकर्ता एक पहलकर्ता के रूप में सदस्यों का ध्यान समस्या की ओर खींचता है या समस्या की गंभीरता को बताता है। वह सेवार्थी को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि कुछ समस्याओं को पहले से ही पहचाना जा सकता है। एक अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में वह समस्याओं की गहनता के आधार पर सदस्यों के ध्यान को आकर्षित करते हुए विभिन्न प्रकार के समाधान सुझा सकता है। इस भूमिका में वह समस्या और उसके हल के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर बातचीत करने और कार्यवाही करने के लिए विचार विमर्श प्रारंभ करवा सकता है। छठवां है सुविधा प्रदाता के रूप में। सुविधा प्रदाता वह होता है जो सेवार्थी की गतिविधियों को संपन्न करने में एक नेता की भूमिका का निर्वाह करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी को विचार विमर्श करने में सुविधा प्रदान करता है और उन्हें किसी भी निर्णय तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है। कार्यकर्ता प्रक्रियाओं के पालन करने की विधि के विषय में सहायता प्रदान करता है। वह विधियों के विषय में विमर्श नहीं करता, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीकों के बारे में बताता है। वह समूह के विभिन्न मामलों और समस्याओं में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता है, बल्कि सेवार्थी को अपनी समस्याओं का समाधान करने में कार्यकर्ता अपनी राय तथा विचार देता है। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता सेवार्थी को विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा अभौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। सातवां, वार्ताकार की भूमिका के रूप में। एक वार्ताकार की भूमिका में कार्यकर्ता उन पक्षों को एक साथ लाने का प्रयास करता है जो संघर्षरत होते हैं, जो एक से अधिक मुद्दों पर किसी प्रकार की सौदाकारी या समझौता करने का प्रयास करते हैं। उन पक्षों को कार्यकर्ता एक सामान्य समझौते तक पहुंचाने में सहायता करता है। मध्यस्थ के रूप में तटस्थ रहने के बजाय वार्ताकार के रूप में कार्यकर्ता दोनों पक्षों के साथ संबंध होकर किसी समझौते तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कार्यकर्ता सेवार्थी संस्था और समुदाय से उन मुद्दों के पालन के समय करता है जिसमें समय, स्थान और संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं। कार्यकर्ता की उक्त प्रकार की भूमिकाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता वास्तविक अर्थों में सेवार्थी को दिशा प्रदान करता है। वह अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए सेवार्थी को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। कार्यकर्ता अपनी भूमिका के सफल निर्वाह के माध्यम से कार्यक्रम के विकास को भी तय करता है। वह सेवार्थी को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वह अपनी सभी क्रियाएं सही ढंग से संपन्न कर सके।